चारा घोटाले के चौथे मामले में सजा का ऐलान। लालू प्रसाद यादव को 14 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना। दुमका ट्रेजरी मामले में सुनाई गई सजा, जुर्माना नहीं भरने पर सजा एक साल और बढ़ जाएगी। चारा घोटाले में लालू यादव को अब तक की सबसे बड़ी सजा सुनाई गई। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा का ऐलान किया। थोड़ी देर में लालू से मिलेंगे बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, रांची के रिम्स में भर्ती है लालू। पीएनबी लोन घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के ठिकानों पर छापेमारी, अब तक 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। समुद्र महल के छापे में 15 करोड़ के गहने मिले, 1.5 करोड़ की घड़ी, 10 करोड़ की पेंटिंग जब्त। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू पर निशाना, एनडीए से अलग होने को एक तरफा और दुर्भाग्यपूर्ण फैसला बताया। अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी, कहा टीडीपी को राज्य की चिंता नहीं है। अमित शाह ने लिखा, चंद्रबाबू नायडू का फैसला राज्य के हित में नहीं है, राजनीति से प्रेरित भी बताया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ खत्म, 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अनंतनाग में मुठभेड़ के बाद हथियार बरामद, इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी। अनंतनाग में मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान हुई, एक स्थानीय दूसरा पाकिस्तानी, दोनों हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। कर्नाटक दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मैसूर के चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में पहुंचे, आशीर्वाद दिया, मैसूर में छात्रों महिलाओं से संवाद किया। राष्ट्रपति भवन में जर्मनी के राष्ट्रपति का स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर ने कहा, भारत के लिए बहुत। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर ने बापू का नमन किया, राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। इराक में मारे गए 39 भारतीयों के परिवार वाले आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटेंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा। इराक में अपनों को खो चुके ये लोग उचित मुआवजे की मांग में अड़े हुए हैं, बच्चों के भविष्य के लिए भी कुछ व्यवस्था करने की मांग। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, 10 सीटों में से 9 सीटें हासिल की। यूपी में समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की, जया बच्चन राज्यसभा के लिए चुनी गई। राज्यसभा चुनाव में 9वीं सीट के लिए कांटे की टक्कर थी, बीएसपी के उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर को बीजेपी के अनिल अग्रवाल ने हराया। बीजेपी के अनिल अग्रवाल दूसरी वरीयता वाले वोटों से जीते, पहली वरीयता वाले वोटों में वो बीएसपी उम्मीदवार से पीछे थे। जीत के बाद सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी का अवसरवादी चेहरा सामने आया, समाजवादी सिर्फ लेना जानते हैं देना नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीत का श्रेय बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को दिया, कहा पीएम के मार्गदर्शन में अमित शाह की रणनीति से मिली। सीएम योगी ने पार्टी के विधायकों और समर्थकों को जीत की बधाई दी, निर्दलीय समर्थकों को मदद के लिए धन्यवाद कहा। पीएम मोदी ने राज्यसभा में बीजेपी उम्मीदवारों को जीत पर बधाई दी, कहा उम्मीद है वो जिसे राज्य से चुने गए हैं वहां भी बात प्रभावी ढंग से उठाएंगे। राज्यसभा में जीते सभी उम्मीदवारों को राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने शुभकामनाएं दी, कहा ईश्वर आपको काम करने का समर्थन दे। बीएसपी की हार पर सतीश मिश्रा का आरोप, चुनाव में धन बल का इस्तेमाल हुआ, रिटर्निंग ऑफिसर पर लगाया पक्षपात का। सतीश मिश्रा का आरोप, बीएसपी विधायक अनिल सिंह ने एजेंट को नहीं दिखाया पर्चा, फिर वोट को अवैध करार नहीं दिया गया। सतीश मिश्रा का आरोप, जेल में बंद मुख्तार समेत 2 विधायक पक्ष में वोट देने वाले थे, अदालत के आदेश के बाद वोट नहीं डलवाए। कर्नाटक राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3 सीट पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को 1 सीट हासिल की। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों में से 1 पर बीजेपी के समीर ओराम जीते, दूसरे सीट पर कांग्रेस के धीरज साहू जीते। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 4 उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी भी राज्यसभा पहुंचे। छत्तीसगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे राज्यसभा सांसद चुने गए, तेलंगाना से टीआरएस के 3 उम्मीदवार चुनाव जीते। दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के धरने का आज दूसरा दिन, किसानों को इंसाफ दिलाने और लोकपाल के मुद्दे पर सत्याग्रह कर रहे हैं। अन्ना हजारे ने दावे में कहा, पीएम मोदी को लिखी 43 बार चिट्ठी, केंद्र पर लगाया राज्यों पर दबाव बनाने का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज किसानों के लिए कर सकते हैं बड़ा ऐलान, शाम 7 बजे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए सीएम का संबोधन होगा, लहसुन प्याज को भंवर में शामिल करने के बारे में देंगे विस्तृत जानकारी। तो भावांतर के बारे में ये जानकारी दी जाएगी। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी सांसदों को दिया गया डिनर, सोशल मीडिया का महत्व समझाया गया। बीजेपी सांसदों को पीएम ने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने को कहा, सभी सांसदों को कम से कम 3 लाख फॉलोअर बनाने को कहा। बीजेपी के 43 सांसदों के फेसबुक अकाउंट नहीं, जबकि 77 सांसदों के अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, सभी सांसदों को एक्टिव रहने की हिदायत दी गई। पीएम मोदी ने सांसदों से कहा, सोशल मीडिया के जरिए सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना चाहिए।
पीएम मोदी ने बीजेपी के सांसदों से कहा 5000 या फिर उससे ज्यादा आबादी वाले कस्बों में रात को फैले। फेसबुक यूजर्स के डेटा चोरी मामले में सरकार ने कैम्ब्रिज एनालिटिका को नोटिस भेजा, 31 मार्च तक जवाब मांगा। भारत सरकार ने कैम्ब्रिज एनालिटिका को भेजे नोटिस में पूछा डेटा हासिल करने के लिए यूजर से सहमति ली गई थी या फिर नहीं। कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले की चुनाव आयोग जांच करेगा। 2014 चुनाव में कैसे मतदाता प्रभावित हुए इसी मसले पर अगले हफ्ते बैठक होगी। पाकिस्तान दिवस के जश्न में भारत के अधिकारी और मंत्री के शामिल होने पर विवाद, पाकिस्तान में भारत के डिप्टी कमिश्नर समारोह में शामिल हुए थे। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हाल ही में पाकिस्तान ने दिल्ली में WTO बैठक का बहिष्कार किया था। दिल्ली के अलीपुर में 12वीं की छात्रा ने खुदकुशी की, सुसाइड नोट में छेड़खानी से परेशान होने की बात लिखी। यूपी के आगरा में मार्कशीट मिलने में देरी पर खुदकुशी की कोशिश, अंबेडकर विश्वविद्यालय में पढ़ता है छात्र, छात्र संगठनों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में किया जमकर हंगामा। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस पर आरोपियों से झाड़ू पोछा कराने का आरोप, घर वालों से झगड़े के बाद थाने लाया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस की जीप और कंटेनर में टक्कर हुई, 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में भर्ती। बिहार के बांका में फतेहपुर गांव में बम फटने से एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हुआ, घायल शख्स को गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर किया गया, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के खगड़िया में अनियंत्रित होकर पिकअप वैन पलटी, हादसे में 14 लोग जख्मी हुए, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सड़क हादसे में 2 की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी, पुलिस ने JCB से ट्रक को हाईवे से हटाया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, 2 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर रात 12 बजे के करीब अंधेरी की तरफ जा रहा एक ट्रक डिवाइडर से टकरा गया, हादसे में ट्रक ड्राइवर जख्मी हो गया। हादसे के बाद यहां करीब 2 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। मुंबई के मनगांव इलाके में एक कंटेनर डिवाइडर से टकरा गया, घटना में ड्राइवर को जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, समय रहते ट्रक के बाहर निकल गया। यूपी के बागपत में बड़ौत के बीच सड़क पर छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, मारपीट में कई लोग जख्मी हो गए, वारदात CCTV कैमरे में कैद है, पुलिस पर मामले को दबाने के आरोप लग रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद में टीचर की पिटाई से बच्चे का सिर फटा, माता पिता ने मामला दर्ज करवाया, जांच के बाद गिरफ्तारी मुमकिन। बिहार के नवादा में दवा की दुकान में लगी आग, दमकल के साथ आसपास के लोगों ने मदद की, दुकान में आग लगने से मौके पर मची अफरातफरी। दिल्ली में JNU प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकार से बदसलूकी, महिला पत्रकार ने इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। यूपी के मऊ में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, फायरिंग में 1 बदमाश जख्मी हो गया, पुलिस ने घायल बदमाश समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, बदमाशों के पास से पुलिस ने 4 लग्जरी गाड़ियां और 1 करोड़ की अवैध शराब बरामद की है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 24 घंटे के भीतर दूसरा मुठभेड़ का मामला सामने आया, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 1 आरोपी भागने में कामयाब। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की जीप और कंटेनर में टक्कर हुई, 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के झांसी में बीजेपी नेता रामेश खंगार को बाइक सवारों ने गोली मारी, हालत नाजुक, हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हुई, शुरुआती जांच में लूट के इरादे से हत्या की आशंका। उत्तर प्रदेश के आगरा में मार्कशीट मिलने में देरी पर खुदकुशी की कोशिश, अंबेडकर विश्वविद्यालय में पढ़ता था छात्र। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद हाईवे पर वॉल्वो और डंपर में जबरदस्त टक्कर हुई, हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत, महिलाओं और बच्चों के साथ साथ दर्जन भर लोग जख्मी हुए। उत्तर प्रदेश के शामली में कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों के 7वें दिन धरना जारी, समान काम के लिए समान वेतन की मांग। बिहार के फुलवारी शरीफ में ट्रक में लगी आग, आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बिहार के सहरसा में ऑटो पलटा, हादसे में 1 की मौत, 2 जख्मी। बिहार के सुपौल में काफी मात्रा में शराब बरामद, नेपाल से लाई जा रही थी। मुंबई के बसई में महिला के पेट से निकले 2,350 पत्थर, ऑपरेशन के बाद गॉल ब्लैडर से निकाले गए पत्थर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जी मीडिया का अनन्य सम्मान समारोह, कार्यक्रम में CM ममता बनर्जी और ZMCL के CEO पुनीत गोयनका मौजूद थे। समाज में बेहतरीन काम करने वालों को अनन्य सम्मान करता है सम्मानित, 5 आम और 4 विशेषज्ञों को इस बार सम्मानित किया गया। अनन्य सम्मान समारोह के दौरान जी मीडिया का 24 घंटा चैनल हुआ रीलॉन्च, इस बार अनन्य सम्मान की 12वीं वर्षगांठ। हरियाणा के सोनीपत में 18 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, मर्डर से पूरे इलाके में तनाव है, गुस्साए लोग सड़क पर उतरे, गुस्साई उग्र भीड़ को शांत करने के लिए भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी लगाए गए। सोनीपत के हत्या के आरोपी पर आरोप है कि उसने ही 5 महीने पहले मृतक के बड़े भाई की हत्या की थी।
झारखंड के गुमला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 2 क्विंटल अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पकड़े गए। अफीम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपए आंकी है कीमत। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम को बनाया निशाना। लाखों की कीमत का सामान लेकर फरार हुए। वारदात सीसीटीवी में कैद, फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के मधेपुरा में अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स को चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस की जमीन विवाद में हत्या की आशंका। बिहार के सासाराम में आपसी विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। विरोध में सड़क पर उतरे लोग। अंबेडकर चौक पर जाम के साथ आगजनी। बिहार के बक्सर में युवक की गोली मारकर हत्या पर बवाल। आक्रोशित लोगों ने बक्सर चौसा मेन रोड को जाम किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। बिहार के वैशाली में महनार एसडीओ पर बस ड्राइवर को पीटने का आरोप। बस चालक संघ ने सड़क जाम कर आगजनी की। एसडीओ के तबादले के साथ माफी मांगने की। झारखंड के बोकारो में हॉरर किलिंग का आरोप। बेटी की हत्या के आरोप में पिता समेत 2 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने एक युवक को गोली मारी। अस्पताल में मौत, हत्या की वजह साफ नहीं। हरियाणा की बेटी मनु भाकर ने जीता एक और गोल्ड। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में शूटिंग में भारत की झोली में मनु का यह 3रा गोल्ड। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में चल रही है जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। पाकिस्तान ने मनाया अपना 78वां पाकिस्तान डे। परमाणु बम ले जाने में सक्षम रॉकेट और बाकी हथियारों को परेड में शामिल किया। मलेशिया के पास समंदर में रेत निकालने वाली चीनी नाव पलटी। 2 चीनी क्रू मेंबर्स को बचाया गया। फ्रांस के ट्रेवेस शहर में एक सुपर मार्केट में बंदूकधारी ने लोगों को बंधक बनाया। जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध मारा गया। आईएसआईएस के विचारधारा से प्रेरित था। जॉन बोल्टन अमेरिका के नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे। ट्रंप ने ट्वीट कर दी जानकारी। पाकिस्तान के लिए सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं बोल्टन। पोलैंड में कड़े गर्भपात नियम के खिलाफ आम जनता उतरी सड़कों पर। सरकार के नियम में ढिलाई बरतने की अपील की। सीरिया के घूटा के हरसता शहर से लगातार दूसरे दिन विद्रोहियों और उनके परिवारों का पलायन जारी। सभी बसों में बिठाकर शहर के बाहर भेजा गया। अमेरिका में आज यानी शनिवार को पूरे देश में गन कंट्रोल को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन होना है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप फ्लोरिडा में अपने रिजॉर्ट चले गए हैं। मार्च को मार्च फॉर आर लाइव नाम दिया गया है। अमेरिका में गन बैन को लेकर छात्रों को अब सेलिब्रिटीज का भी साथ। ओपरा विनफ्रे ने खुलकर समर्थन किया तो एक्टर जॉर्ज क्लूनी ने $50,000 दान किया। लंदन के कैम्ब्रिज एनालिटिका के दफ्तर में इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस के अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश के बाद छापा मारा। दफ्तर से कई दस्तावेज जब्त करने की खबर। मैक्सिको में बड़ी मात्रा में गांजे की खेती नष्ट की गई। सुरक्षा बलों ने पौधों को तोड़कर आग के हवाले किया।